जब भी किसी जानवरों के परिजन की मृत्यु होती है तो उन्हें वे अलविदा काफी अलग तरीके से करते हैं। जैसे पेंगुइन को ही ले लीजिए, जो अंटार्कटिका की जानलेवा क्लाइमेट में भी खुद को जिंदा रखने की खूब जद्दोजहद करते हैं। लेकिन कुछ नन्हे पेंगुइन जब मारे जाते हैं तब उसकी माँ झुककर उसे उठाने की कोशिश करती है। इसे देखकर एक पल को ऐसा लगता है कि अगर इसके हाथ होते तो ये अपने कलेजे के इस टुकड़े को अपने सीने से लगा लेती। खैर, माँ के इस दर्द को आप इसकी पुकार को सुनकर समझ सकते हो। अलविदा कहते वक्त माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे सहलाने के लिए इसकी साथी इसके समीप आती है और आपस में ये दर्द बांटते हैं। लंगूर को इंसानों का करीबी माना जाता है, इसलिए इनके शोक मनाने का तरीका भी ठीक इंसानों जैसा ही होता है। दरअसल एक बार कुछ रिसर्चर्स ने लंगूर के झुंड के बीच में एक नकली बंदर रख दिया, जिसे उठाते वक्त एक लंगूर के हाथों से ये नकली लंगूर गिर जाती है। तब बिना वक्त गवाए वो लंगूर नीचे आती है और उसे हिलाने लगती है। लेकिन जब नकली लंगूर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो ये खुद को उसके मौत का जिम्मेवार समझने लगती है और लंगूर के पूरे परिवार में गम का मातम छा जाता है।